खत्म होने जा रहा है एक युग। आने वाले 10-15 साल में एक पीढ़ी संसार छोड़कर जाने वाली है, जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र इस वक्त लगभग 60 से 75 साल की है। इस पीढ़ी के लोग बिल्कुल अलग हैं। रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले, भोर में घूमने वाले, आंगन और पौधों को पानी देने वाले, देव पूजा के लिए फूल तोड़ने वाले, पूजा अर्चना करने वाले, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले, रास्ते में मिलने वालों से बात करने वाले, उनका सुख दुख पूछने वाले, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले, पूजा किए बगैर अन्न ग्रहण न करने वाले, उनका अजीब सा संसार, तीज त्योहार, मेहमान शिष्टाचार, अन्न धान्य सब्जी भाजी की चिंता, तीर्थ यात्रा, रीति रिवाज, सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाले, पुराने फोन पर ही मोहित, फोन नंबर की डायरियां मेंटेन करने वाले, रॉन्ग नंबर से भी बात करने वाले, समाचार पत्र को दिन भर में 2-3 बार पढ़ने वाले, हमेशा एकादशी रात रखने वाले, अमावस्या और पूर्णमासी याद रखने वाले लोग, भगवान पर प्रचंड विश्वास करने वाले, समाज का डर पालने वाले, पुरानी चप्पल बनियान चश्मे वाले, गर्मियों में अचार पापड़ बनाने वाले, घर का कुटा हुआ मसाला इस्तेमाल करने वाले और हमेशा देसी टमाटर बैंगन मेथी साग भाजी ढूंढने वाले, नजर उतारने वाले। क्या आप जानते हैं, ये सभी लोग धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ रहे हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा कोई है? यदि हाँ तो उनका बेहद ख्याल रखें, अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीख उनके साथ ही चली जाएगी। वो है संतोषी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणा देने वाला जीवन, मिलावट और बनावट रहित जीवन, धर्म सम्मत मार्ग पर चलाने वाला जीवन और सबकी फिक्र करने वाला आत्मीय जीवन। आपके परिवार में जो भी बड़े हों, उनको मान सम्मान और अपनापन, समय और प्यार दीजिए, और हो सके तो उनके कुछ पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। और आखिर में, यह मानव इतिहास की आखिरी पीढ़ी है जिसने अपने बड़ों की सुनी है और अब अपने छोटों की भी सुन रहे हैं। यही है वो सीनियर सिटीजन।